अच्छा किया बगैर इन्फॉर्म किए आ गई, सरप्राइज कर दिया। ओह माय गॉड, असल सरप्राइज तो तुमने दिया है स्वीटहार्ट, हर कोई यही बात कर रहा है शहर में। क्या नाम है तुम्हारा? भूल गई मैं, वैसे मैं तुम्हें तारुण फैमिली की एक्स डॉटर इन लॉ ही कहूंगी, ये ठीक रहेगा ना? भूलूंगी नहीं, एक्स डॉटर इन लॉ। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? जाओ जाके तीन कप फीकी कॉफी लाओ, जल्दी जाओ। ऐसा मत कहो नवीन, बहुत मुश्किल होता है ऐसी बात सहना। फिक्र नहीं करे, मैंने इससे बड़ी मुश्किलें देखी हैं। हद है, जुबान बहुत चलती है इसकी। जवाब देखा इसका, खुद को फिल्मों की हीरोइन समझती है। बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें सह चुकी हूँ मैं। देखा था तुमने, वेडिंग रिंग तक नहीं उतारी है, अब तो डिवोर्स तक हो गई है भाई। अब तो डिवोर्स हो गई है भाई, डिवोर्स हो गई है। एक्सेप्ट जो नहीं किया होगा अभी तक। सब कुछ क्यों हो रहा है बाबा? गलतियां होती जा रही हैं बार बार। जितना मामला को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं वो उतने ही बिगड़ते जा रहे हैं। नहीं कर पा रहा हूं, निकलना चाहता हूं। सब कुछ खो दिया है, जितना हाथ पांव मारता हूं उतना ही धंसता जा रहा हूं, मुसलसल धंसता जा रहा हूं। जैसे किसी बहुत गहरे दलदल में हूं। क्या आप इस बारे में जानती हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मैलिका बा? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि काम कर रही है, काम क्या है ये नहीं पता मुझे। मगर क्यों मैलिका बा? सर छुपाने को छत है, सोने के लिए आरामदेह बिस्तर है, और अकाउंट में वो मैलिका बा, वो ये काम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही है। आमिर,
बेटा, तुम्हारी नाराजगी समझती हूँ मैं, मगर रियान कितनी खुददार है ये तो मुझसे बेहतर जानते हो। यहाँ सिर्फ इसलिए रुकी कि उसके मामू के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। चुप है तो सिर्फ अपनी तरबियत की वजह से, वरना वो किसी पर बोझ बनने वाली हरगिज नहीं। इस रूम से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कह रहा हूं तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? ये अब तुम्हारा कमरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, और तुम यहां सिर्फ बाबा के ठीक होने तक ही हो। मेरी नजर में तुम्हारी इस मेंशन में कोई जगह नहीं बनती। वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, किस कदर खुददार है वो जानते हो ना। और फिर पिछले दिनों जैसा रवैया तुमने रखा उससे मामला कुछ और उलझ गए। बहुत टेंशन थी तुमने उस बेचारे को। इंसान ये बात समझ ही नहीं पाता कि दूसरे इंसान को आखिर क्यों तकलीफ पहुंचा रहा है वो। मगर मेरा दिल तो इतना जख्मी हो चुका है कि अब किसी भी अज़ियत की आग एक हल्की सी चिंगारी से ज्यादा नहीं लगती है मुझे। ज्यादा ही ओवर हो गया था मैं, बहुत ज्यादा। बाज़ औकात अनप्लेजेंट इवेंट्स हो जाते हैं, अब हम रोक नहीं सकते उन्हें। तुम्हारी वाइफ? मेरी एक्स वाइफ। हाँ, एक्स वाइफ, सही कह रहे हो। मैं तो कभी मिली नहीं उससे। सुना है शादी से पहले तुम भी नहीं जानते थे उसे, एक दूसरे को जाने बगैर ही शादी हुई थी। ऐसा ही हुआ। प्रॉब्लम ये हुई कि शादी के बाद भी मैं उसे जान नहीं सका। वो इसलिए किया था क्योंकि दिल दुखा हुआ था। मगर ऐसा नहीं है कि तुम्हें तकलीफ देकर मुझे खुशी मिली हो। मेरे लिए कुछ भी नहीं, अब से तुम मेरे लिए एक आम सी लड़की हो। अपनी बात पर कायम रहो आमिर, कम से कम बिहेव तो ऐसा ही करो। अब से उसे बस एक आम सी लड़की ही समझना। मगर ये नहीं हो पाएगा मुझसे, खुदाया कैसे हो पाएगा ये।
ये रिंग? वेडिंग रिंग उतारी नहीं क्या उसने? क्यों? इतना कुछ हो गया फिर भी नहीं उतारी, अब तक क्यों पहन के रखी है उसने? क्या हुआ, क्या मसला है? इतनी अमीर कबीर हो, ऊंची सोसाइटी में मूव करती हो, मगर आदाब और तहजीब बिल्कुल नहीं है। मेरा फोन ना उठाने की वजह जान सकता हूँ मैं? हाँ, बात लंबी मत करो ज्यादा, मसरूफ हूँ इस वक्त। आज पेमेंट का दिन था, पैसे क्यों नहीं भेजे? खैरियत है? दिन खत्म तो नहीं हो गया ना? मिल जाएंगे पैसे, ऐसी क्या जल्दी है? जल्दी में ही रहता हूँ मैं, खासकर पैसे के मामले में। आंटी साहिबा, आज के आज ही पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अब कॉल नहीं करूंगा मैं, ना पैसे का तकाजा करूंगा। आज अगर पैसे ना पहुँचे तो सबूत पुलिस को दे दूंगा, तुम्हारे बेटे को जेल हो जाएगी। आगे तुम्हारी मर्जी, और हाँ, अभी शराफत से काम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ गई मैं, ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा, मिल जाएंगे पैसे। टाइम नहीं मिला था। हर महीने पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाया करेंगे, सबर करो थोड़ा। हाँ, ऐसी बातें अच्छी लगती हैं मुझे। चलो ठीक है, इंतजार करूंगा। मुश्किलें ही खत्म नहीं होती, पता नहीं कब होंगी। एक चुड़ैल कम थी क्या कि ऊपर से नौकरानी भी आ गई, बस तुम्हारी कसर थी मेरे सर पे बजने की। अल्लाह गारत करे तुम सबको, तुम सब जहन्नम का ईंधन बनोगे बहुत जल्द। ये कहां जा रहा है सब भागा भागा? जाके देखता हूं मैं ये जगह। सही बात है, सिर्फ खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता, और भी क्वालिटीज होनी चाहिए। ये पानी क्यों गिरा हुआ है? रखो इसे टेबल पर। आराम से आराम से, सारा पानी गिराओ इसमें से। बस बस छोड़ो, रहने दो इसे। किचन में जाओ फौरन और पूरा किचन साफ करो अच्छी तरह। अभी कुछ देर पहले ही तो साफ किया है किचन। मैंने तुमसे क्या कहा है, सफाई करो जाके। सफाई करने के मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, जुबान चलाने के नहीं देती। या अल्लाह मुझे सब्र दे। Impossible. इतना कुछ हो गया, आप कैसे कहूंगा कि जाओ? विशाल, विशाल बहुत अटैच्ड हो गई उससे। प्रॉपर्टी डीलर से कह देता हूं मेरा इरादा बदल गया।
इतना ज्यादा क्या सोच रहे हैं, कर लें कॉल जिसे करनी है। फोन से रिलेटेड नहीं है, किसी और मामले पर सोच रहा था मैं। नहीं, ये स्टुपिड इंसान जरूर कुछ छुपा रहा है। मिशाल घर पे नहीं है? वो शहरी आपा के साथ पार्क गई है। बहुत आला। बहुत आला क्या है इसमें? आज मौसम खुशगवार है ना, अच्छा किया घर में नहीं पड़ी रही वो दोनों। चले ओके, मैं ऊपर जा रही हूं। बहुत अजीब है, बहुत ही अजीब। कहां रखूं इसे? नहीं, यहां तो शायद वो देखे ही ना, और यहां तो पॉसिबल ही नहीं। स्वीटी, शहरी आपा के पास बैठ जाओ, तुम्हें कुछ बताना है। आ जाओ, आ जाओ मेरी चंदा शहजादी, बैठो। मुख्तसर बात करूंगा मैं। मैंने शादी कर ली है। क्या? जी बिल्कुल, ये बीवी है मेरी। विशाल, उस रोज इस घर में कितनी अजनबी थी मैं, मगर आज देखो तो जरा, जैसे हमेशा से यही रहती आई हूं। जाने कब हो गया ये सब। बाय बाय स्वीटी, अब आना जरूर दोबारा। अब तुम हमारे घर आओगी, जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय। जो कॉफी तुमने बनाई थी बदजायका थी, अब अपने लिए खुद ही बना रही हूँ जाने से पहले। क्या लटका रही हो काम को दो घंटे से, अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? हो गया, हो गया। ओके, जाओ यहां से, क्या मेरे सर पे सवार हो। स्टोर की सफाई करो जाके, मगर पहले हाथ धो लेना। इन गंदे हाथों से टच भी नहीं करना मेरी क्रॉकरी। मैं थोड़ी देर में निकल रही हूं, जाते हुए चाबियां डोरमैन को दे देना। हाँ, खबरदार मेरी एब्सेंस में चोरी मत करना कोई चीज, और ना ही जल्दी चली जाना। हाँ स्वीट हार्ट। आ गई हूँ डार्लिंग, दरवाजे पर हूँ। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई, रुको रुको मैं भी आ रही हूँ। अभी तक नहीं आई दोनों।
इतनी देर कहाँ लगा दी? पार्क में ज्यादा लोग नहीं थे। चंदा शहजादी ने खूब खेला, कभी एक झूले पे बैठी, कभी दूसरे झूले पे बैठी। झूले खाली पड़े हुए थे और देर तक झूलती रही मैं। शहरिया दादी ने खूब ऊंचा ऊंचा झुलाया। अच्छा, जबरदस्त। आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, बेड पर रखा है आपके, जाएं जाके देखें, आपको पसंद आएगा। इतनी एक्साइटेड क्यों है ये? कमाल साहब, कैसे हैं आप? आई नो कि आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, लेकिन मकान से रिलेटेड कुछ बातों पर डिस्कस करना जरूरी है। आप अवेलेबल हैं क्या? मैडम, कुछ देर पहले एक साहब आए थे कमाल साहब से मिलने। मैंने उनसे कहा कि वो यहाँ नहीं है, तो वो अपना कार्ड देकर चले गए। प्रॉपर्टी एजेंट थे? जी हाँ, उनसे रापता नहीं हो रहा था, इसीलिए वो यहाँ आ गए। क्या आप दे देंगी? अल्लाह अल्लाह, कमाल को प्रॉपर्टी का क्या काम पड़ गया? बताओ मुझे, तुम करना क्या चाहती हो? खुल के बता दो आज, क्योंकि मैं समझ नहीं सका तुम्हें। मैंने क्या नहीं किया तुम्हें खुश रखने के लिए? हर काम किया, हर काम। जब तुम पहली बार घर छोड़कर गई तो मैं चुप रहा, फिर जब लौट आई तो मैंने तुम्हारा यकीन किया, भरोसा किया, फिर से उसी तरह चाहने लगा तुम्हें। बल्कि दिन ब दिन तुमसे मेरी मोहब्बत बढ़ती चली गई। कितनी मोहब्बत से देखता था तुम्हें, नजरों से नजरें मिला के देखता था, मगर तुमने क्या किया? हाँ, जब सब कुछ परफेक्ट हो गया था, एन उसी मोमेंट जब मुझे हर बात पर यकीन आ गया था, तुम एक भी वजह बताए बगैर, अरे सॉरी सॉरी, वजह तो ये थी ना कि तुम मुझसे बेजार हो गई थी। तुमसे तो मेरा छूना तक बर्दाश्त नहीं होता था। डिवोर्स ले ली तुमने, डिवोर्स। और जानते हो ना उसके बाद क्या हुआ? तुम फिर वापस आ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और मैंने क्या किया? घर के दरवाजे खोल दिए। बहुत गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था और खुद से लड़ रहा था मैं। फिर भी कहा ठीक है, तुम अगर यही चाहती हो तो चलो ठीक है, ऐसा ही सही, मगर ये सब काफी नहीं था क्या? अब तुम्हें मैं किस तरह से हैंडल करूं? हाँ बोलो, क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। Thank you.
उसके पूछने पर क्या वजह बताऊंगा मैं उसे, क्या कहूंगा मैं, मैं उसके सामने आखिर जाकर कहूंगा क्या? चूंकि वह तरहन की साबिका दुल्हन है, क्या आपको लगता है कि उसे दीगर घरेलू मुलाजमीन के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाह मिलती है क्योंकि वो साबिक सोशलाइट है? सोशलाइट नहीं दोस्त, वो हमेशा से काम वाली रही है। जेमरे, अम्मी आपने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया। कितनी कॉल्स की मैंने, मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? वो दरअसल जब आपने फोन किया मैं शॉपिंग कर रही थी, मैं फोन नहीं उठा सकी और दोबारा फोन करना भूल गई। मासरत अम्मी, इनफ, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम्हारी गलत बयानी से। तुम करना क्या चाहती हो उस बेचारी के साथ? तुम आखिर और कितना फसाद पैदा करोगी, आज बता ही दो। आप क्या कह रही हैं अम्मी, समझ नहीं आ रहा। रेहान की वीडियो बनाकर तुमने इंटरनेट पे डाल दी है? आप इस वक्त वाकई मजाक कर रही हैं, मेरा इससे क्या ताल्लुक? बस करो और झूठ मत बोलो मुझसे, मैं जानती हूँ तुमने ही किया है। अम्मी हम घर पर नहीं हैं, एक कैफे पे हैं, थोड़ा पुरसकून रहे। नहीं हो सकती, मैं रिलैक्स नहीं हो सकती अब। इनफ जेमरे, खत्म करो ये सब। अब मैं तुम्हें किसी को हर्ट करने नहीं दूंगी, समझी तुम? बस तुम स्विट्जरलैंड जा रही हो। स्विट्जरलैंड? बिल्कुल नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। तुमसे नहीं पूछा कि जाना है या नहीं, जब तक मैं ना कहूँ तुम उसी घर में रहोगी, दैट्स इट। क्या मैं छोटी सी बच्ची हूँ? जब आपका दिल चाहे किसी भी वक्त मुझे कहीं भी भेज दे, मैं हरगिज कहीं नहीं जाऊंगी, समझी आप? बच्ची नहीं हो तुम, रियली नहीं जाओगी तुम। अच्छा ये क्या कर रही हैं आप? अब मैं देखती हूँ तुम कब तक रहती हो इन सब के बगैर। अम्मी कब तक सरवाइव करोगी, देखती हूँ मैं। अम्मी क्या कर रही है, सब देख रहे हैं। अम्मी बस करे, छोड़े इसे, रखते। बस कर तू अपनी हरकतें, अब किसी के साथ ज्यादती नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। फरमाइए। हेलो मैम, मेरा नाम गोहान है, प्रॉपर्टी एजेंट। कह देता हूं कि अब किराए पर नहीं लेना मकान, कैसे जाने दूंगा नौरीन को? बाबा। जी बाबा की जान।
ये गिफ्ट मुझे नौरीन आपा ने दिया है, ये बहुत प्यारा है। हाँ स्वीटी, वाकई बहुत प्यारा गिफ्ट है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कमाल साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा था। मेहरबानी करके बस ये कार्ड आप उन तक पहुंचा दीजिए। कैसा कार्ड है ये? एंट्री कार्ड है। उस एरिया में हाई लेवल सिक्योरिटी है, तो इस कार्ड के बगैर वहां एंट्री नहीं होगी। मैम लीजिए। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पर बात करनी है। आओ बैठो यहां। मैं सोच रहा था कि जैसा कि तुम कह रही थी, ये क्या है? ये कीज है। हाँ, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। है किस चीज की कीज? मैं जरा शहर से बाहर था, इसलिए बात करने का मौका नहीं मिल पाया। उससे बात हो जाए फिर बताता हूं। तो वो इस बारे में बात करना चाहते थे मुझसे। अलग घर लिया है ताकि मैं यहां से चली जाऊं। अब जबकि मैं यहां आ ही गया हूं तो दस्तक भी देनी होगी। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुमने जो चाहा तुम्हें सब दिया, मगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आता। आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरी गलती है, मेरी लाड में बिगाड़ दिया मैंने। बताओ हद है ये भी? ये कौन सी सीटी है? देखती हूं इसमें क्या है। जमरे खानम, तुम्हारी चक्करबाजियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। गोली मत मारना, खुदा के वास्ते गोली मत मारना। नहीं नहीं नहीं।
मेरे अल्लाह, ये सब क्या है? हम अलग हो चुके हैं, हमें मैच्योर इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। अब अपनी जिंदगी मैं सिर्फ अपने सहारे जीऊंगी। देखता हूं कि अभी भी अपनी बात पर कायम है, मगर किस हैसियत से आए हो तुम यहां? कह चुके हो कि वो अब कुछ नहीं तुम्हारे लिए, बस ये पूछने आए हो कि रिंग क्यों नहीं उतारी। अगर उसने कहा कि तुम्हें क्या, तो क्या कहूंगा? की स्मेल है। इसी घर से आ रही है। यही है, फोन बज रहा है उसका। दरवाजा खोलो, अंदर है क्या कोई? दरवाजा खोलो, आ गया हूं मैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता, जरूर कोई गलती हुई होगी। आमिर, आमिर कैसे कत्ल कर सकता? इस सीडी का जेमरे के पास भला क्या काम है? या अल्लाह, किस चक्कर में फंस गई मेरी जान? जेमरे फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ जेमरे। फोन उठाओ जेमरे। मकान किराए पे लिया है मेरे लिए। Thank you.
इसे कहाँ रखे बाबा? मालूम नहीं, तुम डिसाइड करोगी। यहाँ ठीक रहेगी। ओके, यहीं रख दो फिर। गोकान साहब, मैं कमाल तारुण। असल में मैंने इरादा बदल लिया है। वो चाय कबाब रख लीजिए।